Dear student, today I am going to teach you about the one of the greatest dramatists of English literature, William Shakespeare. प्यारे छात्रों, आज मैं आपको अंग्रेजी के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर की जीवनी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ. विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564. विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ. ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो अंग्रेजी के एक कवि, प्ले राइट, एक नाटककार, एक्टर, एक अभिनेता, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर और एक वाइडली रिगार्डेड, जिनको चहुं ओर चारों तरफ लोकप्रिय महानतम लेखक, अंग्रेजी के महानतम लेखकों के रूप में जाना जाता है. एंड द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और दुनिया के प्रमुख नाटककारों में उनकी गिनती होती है. ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, उन्हें बहुधा इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि, एंड द वार्ड ऑफ एवन, और उनका जो निकनेम है वार्ड ऑफ एवन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है. हिज एक्सटेंट वर्क्स, उनकी अत्यधिक कृतियों में इंक्लूडिंग सम कोलेब्रेशंस कंसिस्ट ऑफ अराउंड 38 प्लेज, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स एंड ए फ्यू अदर वर्सेस. उनकी कृतियों के अंदर लगभग 38 प्लेज, 38 नाटक, 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स यानी कि उनकी कविताएं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स, 2 वर्णनात्मक कविताएं जो लंबी एपिक पोइम की तरह, एंड ए फ्यू अदर वर्सेज, और कुछ अन्य काव्य शामिल हैं, सम्मिलित हैं. ऑफ विच द ऑथरशिप ऑफ सम इज अनसर्टेन, और कुछ एक काव्यों, कुछ एक कविताओं की ऑथरशिप लेखन के बारे में अभी अनिश्चित है. हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, उनके नाटकों को लगभग दुनिया की जितनी भी सजीव भाषाएं हैं उनमें अनुवाद किया गया. एंड आर परफॉर्म मोर देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट, और उनका जितने भी नाटक हैं उनको लगभग सभी देशों में स्टेज पर परफॉर्म किया गया बजाय और किसी नाटककार के. शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर की कृतियाँ. ऑल टुगेदर शेक्सपियर्स वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेज, 2 नरेटिव पोइम्स, 154 सोनेट एंड ए वैरायटी ऑफ अदर पोइम्स. शेक्सपियर की कृतियों में लगभग 38 नाटक, 2 नरेटिव पोइम्स वर्णनात्मक कविताएं, 154 सोनेट्स लगभग 154 सोनेट्स, 154 कविताएं एंड ए वैरायटी ऑफ अदर पोइम्स, और लगभग अन्य पोइम्स की वैरायटी भी है, किस्में भी हैं. नो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज आर नोन टू एग्जिस्ट टुडे. नो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर के नाटकों की अभी तक कोई भी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट अस्तित्व में नहीं है. इट इज़ एक्चुअली थैंक्स टू ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर्स कंपनी. इट इज़ एक्चुअली, ये वास्तविकता में उन अभिनेताओं के लिए धन्यवाद है शेक्सपियर की कंपनी द्वारा, दैट वी हैव अबाउट हाफ ऑफ द प्लेज एट ऑल, जिनको हम लगभग आधे से ज़्यादा नाटकों में जानते हैं. दे कलेक्टेड देम फॉर पब्लिकेशन आफ्टर शेक्सपियर्स डाइड, उन्होंने ये नाटकों की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है शेक्सपियर के मरणोपरांत एकत्रित की, प्रिजर्विंग द प्लेज, और उन्होंने उन नाटकों को संरक्षित रखा.
दीज राइटिंग्स वर ब्रॉट टुगेदर इन वाट इज़ नोन एज द फर्स्ट फोलियो, और ये सारी लेखन वर ब्रॉट लाए गए टुगेदर साथ साथ में इन वाट इज़ नोन, जिनको कहा जाता है एज द फर्स्ट फोलियो के नाम से कहा जाता है। फोलियो रेफर्स टू द साइज ऑफ पेपर यूज्ड, फोलियो का मतलब जो पेपर की जो साइज है जिसका उपयोग किया जाता है उसके लिए फोलियो का प्रयोग होता है। इट कंटेंड 36 ऑफ हिज प्लेज बट नन ऑफ हिज पोइट्री, और इसमें उसके लगभग 36 नाटकों का संकलन है बट नन ऑफ हिज पोइट्री, लेकिन कविताओं का इसमें किसी प्रकार का कोई संकलन नहीं है, यानी कि कोई कविताएं नहीं है। शेक्सपियर्स लेगेसी इज एज रिच एंड डाइवर्स एज हिज वर्क, शेक्सपियर की लेगेसी मान्यता इज एज रिच, इतनी धनाढ्य है, इतनी धनी है, इतनी संपन्नशील है एंड डाइवर्स, और इतनी विविधतापूर्ण है एज हिज वर्क, जितने की उसकी कृतियाँ। हिज प्लेज हैव स्पॉन्ड काउंटलेस अडेप्टेशन अक्रॉस मल्टीपल जेनर्स एंड कल्चर, और उसके नाटकों का हैव स्पॉन्ड काउंटलेस अडेप्टेशन, असंख्य भाषाओं के अंदर, असंख्य संस्कृतियों के अंदर, असंख्य जेनर के अंदर उनको ग्रहण किया गया है। हिज प्लेज हैव हैड एन एंड्योरिंग प्रेजेंस ऑन स्टेज एंड फिल्म, हिज प्लेज उसके नाटकों का हैव हैड एन एंड्योरिंग प्रेजेंस ऑन स्टेज, उसके नाटक स्टेज पर भी फिल्माए गए हैं और उन पर फिल्में भी बनी हैं। हिज राइटिंग्स हैव बीन कंपेल्ड इन वेरियस इटरेशन ऑफ द कंप्लीट वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, उसके लेखन हैव बीन कंपेल्ड का संकलन है वेरी लिटरेशन ऑफ द कंप्लीट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जितने भी जो पूर्ण कृतियां हैं उनको सबको कंपाइल मींस संकलित किया गया। विच इंक्लूड ऑल ऑफ हिज प्लेज सोनेट्स एंड अदर पोइम्स, जिनके अंदर उसके सारे नाटक, उनके सोनेट्स यानी कि उसकी कविताएं, हम आपको बता दें शेक्सपियर की कविताएं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं उन्हें सोनेट कहा जाता है, एंड अदर पोइम्स, और कुछ उनकी अन्य कविताएं भी हैं। अन्य कविताओं में उनकी 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स हैं जिनमें रेप ऑफ ल्यूक्रीज है, वीनस एंड एडोनिस है, ये उसकी लॉन्ग नरेटिव पोइम्स हैं। विलियम शेक्सपियर कंटिन्यूज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विलियम शेक्सपियर कंटिन्यूज अनवरत रूप से टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा से एक प्रमुख और महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर्स, एक साहित्यिक हस्ती रही है अंग्रेजी भाषा के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, इसलिए हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर एलिजाबेथन काल का अंग्रेजी का सर्वाधिक महानतम लेखक माना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।